नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल के साथ। और बिल्कुल जैसे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं सुंदर सुंदर फूलों के साथ, लेकिन दोस्तों आज का टॉपिक मेरा फूल नहीं है। तो मेरे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जो कह रहे थे कि आप अपनी वेजिटेबल्स दिखाओ, क्या लग रही हैं, आपने क्या लगा रखा है। तो दोस्तों कई बार मैं कहती तो हूँ कि लगाते ही गिलहरी मेरे बीज निकाल निकाल के खा जाती है, लेकिन चलो जो बचे और जो कुछ लगा गार्डन में वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं अपने गार्डन में क्या क्या लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मेरे गार्डन में बैंगन लगे हुए हैं, और ये बैंगन दोस्तों इसलिए इतने सुंदर लगे हैं कि मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी 3G कटिंग पे, तो वो आप सर्च कर लेना मेरी वीडियोज में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपने अगर ज़्यादा पैदावार लेनी है सब्जियों की, छोटी छोटी चीज़ों में लगा के, जैसे कि मैंने क्रेट में लगा रखी है। और ये देखिए ये बैंगन कितना सुंदर है और कितना हेल्दी है। और सबको पता है दोस्तों, घर में उगी हुई चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी होगी होगी, उस बारे में तो खैर क्या बताएं, वो तो सभी को पता ही है। लेकिन अगर आप दोस्तों इन सब्जियों को छोटी छोटी चीज़ों में लगा के, सब्जियों के पौधों को सॉरी, और थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करके अगर आप इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ अपने घर में ही ले लेते हैं, तो उससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती दोस्तों। और बिल्कुल जब हमारे गार्डन में चीज़ें लगती हैं तो बहुत खुशी होती है। और जिसमें मेरे बहन भाई के लग रही होंगी और जब मेरे में लगती हैं तो एक अलग ही अच्छा लगता है देख के, और दूसरा जब आप उसको तोड़ के अपनी किचन में बनाते हो ना तो एक अलग ही आनंद आता है ना। और बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है उस मतलब सब्जी को एंजॉय करना, चाहे वो काटना हो, चाहे वो अपने गार्डन में लगी हुई हो, चाहे हम किचन में जाके उसको बनाएं और फिर एंड में खाएं, तो सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार होती है जो अपनी किचन गार्डन में लगती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अब पहले बल्कि मेरे गार्डन में इतनी गिलहरी नहीं थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं बता नहीं सकती, कुछ 2 सालों से कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। और बस कहीं नहीं लगाया हुआ है, मैंने इसमें क्रेट में लगाया हुआ है। और यकीन मानिए, आप कहोगे गिलहरी के बारे में कहने लगी, पता नहीं कहाँ से उसको पता लग जाता है, चाहे मैं कितनी गहराई में बीज दबा लूँ वो अपना निकाल निकाल के सारे खा जाती है। और बस जो बचे कुचे हैं दोस्तों उनसे ये बेचारी सब्जियाँ बन रही हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस ये छोटी छोटी सी टेक्निक यूज़ करके, जैसे कि मिर्चें लगी हैं आपके गार्डन में, ऊपर से उसकी पिंचिंग कर दें जो न्यू ग्रोथ आ रही हो ना, फिर उससे और भी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी और दूसरा जो आपकी मिर्च की क्वालिटी होगी वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। और दोस्तों अपनी सब्जियों के बीच बीच में गेंदा लगा दें, फूलों की कोई भी वैरायटी लगा दें जिससे कि उनकी ये पोलिनेशन में हेल्प मिले। और जो दोस्तों इंसेक्ट हैं हमारी सब्जियों पे अटैक करने वाले हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएं, क्योंकि अगर हम ऐसे मिक्स करके दोस्तों मिक्सर मैच करके सब्जियां और फूल लगाते हैं तो जो हमारे इंसेक्ट एक पर्टिकुलर चीज़ पे अटैक करने वाले होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि कहाँ अटैक करना है। तो इससे आपके ना तो सब्जियाँ खराब हो पाती और दूसरा आपके फूल भी नहीं खराब हो पाते। तो बस यही तरीका है। और मेन जगह जगह दोस्तों या तो लहसुन की कली दबा दिया करें, चाहे वो फूल लगे हुए हैं आपके, चाहे आपकी सब्जियां लगी हुई हैं, तो इससे आपके जो प्लांट्स हैं, चाहे बेल वाले हैं, चाहे आपकी सब्जियां लगी हुई हैं, इस तरह से बिना किसी इन्फेक्शन के बहुत अच्छे से चलेंगी वो, और अच्छे से उन पर फ्रूट भी आएगा। और बस ये देखते जाओ जो जो मैंने लगा रखा है, ये करेले वगैरह की बेलें हैं, वो शायद उसकी खीरे की थी जो पहले दिखाई थी। तो बस जी, जो भी मुझे कहते हो आपके किचन गार्डन में क्या लगाओ, ये देख लो जो कुछ बचा कुछ लग रहा है। अब क्या बताऊँ, गिलहरी का तो मैंने बता ही दिया। ये भिंडी लगी हुई है, एक डिश है मेरे पास, ये उसकी मिट्टी की, उसमें लगा रखी है मैंने। और ये देखिए दोस्तों, ये अचार वाली मिर्च है, ये भी अच्छी लगी हुई है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो अच्छी मोटी मोटी मिर्चें लग रही हैं, जब मैंने मिर्च किचन में यूज़ की होंगी तब उसके बीज डाल दिए होंगे, ऐसा और कुछ अलग से नहीं किया दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी किचन में आती हैं जिसको कि आप डायरेक्टली डाल के भी इतनी सुंदर सुंदर सब्जियां ले सकते हैं, उनमें से एक शिमला मिर्च भी है। शिमला मिर्च जब भी घर में आए, कोई भी कलर आए, येलो आए, रेड आए, ग्रीन आए, और ये देखिए रेड कलर की शिमला मिर्च मैंने यूज़ की होगी किचन में, और ये देखिए लग भी गई है ना। तो बस दोस्तों यही थी मेरी सब्जियां, और अब मुझे दिख नहीं रही कोई, छुप रही होंगी गार्डन में, गार्डन में मिर्च नहीं जाया जा रहा, इतनी सारी घास वास हो रही है, पहले वो ठीक करवानी पड़ेगी तभी मेरे से घुसा जाएगा। और ये फूल देखो अपने जो गार्डन में सुंदर सुंदर खिले हुए हैं सुबह सुबह,
तो बिल्कुल पानी देने वाले हो रहे हैं प्लांट, लेकिन बादल भी आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना देना पड़े, बरसात से इनमें पानी पड़ जाए, तो ड्राई ड्राई से भी लग रहे होंगे थोड़े आपको, लेकिन कोई बात नहीं, फूल तो खिले हुए हैं ना, और बारिश आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दे ही दूंगी, है ना। लेकिन अभी कुछ बादल आ रहे हैं, कभी धूप निकल रही है, कभी फिर बादल आ रहे हैं, ऐसा सा मौसम हो रहा है, तो अगर बरसात आ जाती है तो ठीक है, नहीं फिर मैं दे दूंगी फिर आराम से। और ये देखो जो मैंने हैंग कर करके लगा रखे हैं ना, इनमें भी सब में कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं ना। तो दोस्तों मेरा मकसद यही होता है कि आप बिल्कुल अपने घर को हरा भरा बना के रखें और बिल्कुल इंजॉय करें। हरियाली के बगैर दोस्तों कितना ही आप कुछ डेकोरेशन करा लो, हरियाली के बगैर मजा ही नहीं है घर का, है ना। एक लाइवली सा एटमोसफेयर हो जाता है अगर आप प्लांट्स लगाते हो, प्लांट्स का शौक रखते हो और ये छोटी छोटी चीजें लगाते हो, और ये सुंदर सुंदर खिले हुए फूल कितने प्यारे लगते हैं, है ना। तो ये देख लो जी, थोड़ा सा ओवरव्यू भी, जो जो अभी फूल मुझे अच्छे अच्छे लग रहे हैं मैं आपको वो दिखा रही हूँ अलग अलग शेड के। इनमें भी पानी देने का हो रहा है ना, ड्राई ड्राई से हो रहे हैं। चलो मैं दे दूंगी अभी थोड़ी देर में। तो बस दोस्तों इस सुंदर से गार्डन के व्यू के साथ, देखो कैसा जंगल सा बन गया है गार्डन, है ना। और घास भी दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि इसमें बेलें भी लग रही हैं। तो बस दोस्तों थैंक यू वेरी मच, इसी तरह से प्लांट्स लगाते रहो, खुश रहो।